हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द दी क्लास एट्थ सब्जेक्ट साइंस टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर टू माइक्रो फ्रेंड एंड यू हैव सीन ऑर्गेनिज्मीन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आईज अलॉन आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं

आपने देखा होगा कि बरसा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी तो आइए अब हम इन सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं टू पॉइंट वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी टू पॉइंट वन कलेक्ट सम मॉइस्ड सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन एंड एड वाटर टू इट बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द वीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप

कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए डू यू फाइंड टी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद ही पता चलता है दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वॉटर एंड सॉयल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप्स सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गो में बांटा गया है दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजुआ एंड एल्गा यह वर्ग हैं जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ सेवाल सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसोन फिगर टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट फोर हमने फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं अब हम उनके पिक्चर्स देखते हैं सबसे ऊपर में ये जो रेड कलर से टिक लगा है ये है हमारा स्पाइरल बैक्टीरिया ये दोनों टाइप्स बैक्टीरिया के हैं अर्थात जीवाणु के हैं जो फर्स्ट पिक्चर में है वह स्पाइरल बैक्टीरिया है अर्थात स्पाइरल जीवाणु एंड सेकंड पिक्चर में जो आप व्हाइट वाइट देख सकते हैं यह है रोड सेव्ड बैक्टीरिया ये है छड़ के आकार के बैक्टीरिया हैं। फिगर में सहवाल दिए गए हैं इन्हें हम इंग्लिश में एल्गा बोलते हैं इसका जो फर्स्ट डायग्राम है जो आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास क्या बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास एंड नेक्स्ट पिक्चर जो आप ब्लू टिक लगा हुआ देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं स्पाइरो इसे हम बोलते हैं स्पायरो गायरा यह है सहवाल है हैं ये दोनों टाइप्स सहवाल के हैं टू पॉइंट थ्री में प्रोटोजोआ दिए गए हैं ये जो पिंक कलर के गोले में आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं अमीबा क्या बोलते हैं अमीबा एंड जो जस्ट उसी के पास में है इसे बोलते हैं पैरामीशियम इसे बोलते हैं पैरामीशियम ये दोनों टाइप्स प्रोटोजोआ के हैं किसके हैं प्रोटोजोआ के हम नेक्स्ट टाइप में आते हैं नीचे टू पॉइंट फोर फिगर में दिए गए हैं फंजाई जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कबक उसका जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें दिया गया है ब्रेड मोल्ड मीन्स राइजोपस इसे हम बोलते हैं राइजोपस जीवाणु सॉरी कबक इसे हम बोलते हैं राइजोपस कबक एंड जो उसके बाद दिया गया है वह बहे पेनीएम है इसे हम बोलते हैं पैनी एम। जो थर्ड है इसे हम बोलते हैं एसपरजलस क्या बोलते हैं एसपर जलस ये तीनों कवक हैं सबसे ऊपर में जो दिए गए हैं वह बैक्टीरिया के डायग्राम से देन फिगर टू पॉइंट टू में सेवाल दिए गए हैं जिन्हें हम एलगा बोलते हैं फिगर टू पॉइंट थ्री में प्रोटोजोआ दिए गए हैं 0.24 में फंजाई दिए गए हैं तो इस तरह से हमने इन डायग्राम्स को देखा वायरस दे, सेल्स आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक दे हाउ हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम इन्फ्लुएंजा फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं डिजीज लाइक And malaria are caused एंड मलेरिया whereas typhoid and tuberculosis टी are bacterial बैक्टीरियल अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं वायरस को हम इन डायग्राम्स में देख सकते हैं विषाणु को जिस तरह से दिखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव मीन्स सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया सम समल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर सच एज एल्गा एंड फंजाई सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु कुछ सेवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकालिक जैसे कि कई सेवाल एवं कवक यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वायल अदर एग्जिस्ट फ्रीली कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं अमीवा जैसा सूक्ष्म जीव केवल अकेले रह सकता है जबकि कबा एवं जीवाणु समूह में रहते हैं माइक टू पॉइंट थ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अश सूक्ष्म जीव और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर लाइव्स सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग रोग के कारक हैं आइए हम इन्हें विस्तार से समझते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स मित्रवत सूक्ष्मजीव वह ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड होते हैं अर्थात जो हमें लाभ पहुँचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस परपसेज दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं इनका उपयोग दही ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है जैसे कार्बनिक अवशिष्ट सब्जियों के छिलके जंतु अवशेष बिस्टा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड दही एवं ब्रेड का बनाना यू हैव लर्न इन क्लास सेवेंथ

जिससे दही जम जाता है हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों कर्ड कंटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं जीवाणु पनीर चीज अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं एन इम्पोर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ रबा सूजी इडलीज एंड रबा इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किड़वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है देखिए इस डायग्राम में इसमें आटा जो हमने गूंथ के रखा था और जो नीचे दिया गया है रेस्ड मैदा ये खमीर के कारण फूल गया है यह बेकिंग उद्योग में ईष्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर बड़े स्तर पर एल्कोहल शराब एवं एसिटिक एसिड एसेट के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन जौ गेहूं एवं चावल फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है एक्टिविटी टू पॉइंट फोर टेक अ फाइव हंड्रेड एम एल वीकर फील्ड अप टू थ्री बाई फोर विद वाटर डिसोल्व टू थ्री टी स्पून ऑफ सुगर पाँच सौ एम का बीकर लेकर इसमें तीन बटे चार भाग तक जल भरिए इसमें दो तीन चम्मच चीनी घोलिए इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए इसे चार पाँच घंटों के लिए ऊंचे स्थान पर ढककर रखिए अब बिलियन को सूंघ कर देखिए दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल बाईस्ट यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है लुईस पास्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। देखिए ये जो डायग्राम है ये एक साइंटिस्ट लुई पास्टर की पिक्चर है लुई पासबंध की खोज अठारह में की थी मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेज सूक्ष्म जीवों के औषधीय देखिए जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वह पेंसीन का इंजेक्शन लगा देते हैं हमको या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली कैप्सूल दे देते हैं इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं क्या है सूक्ष्म जीव हैं यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बींग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फनजाई आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं देखिए हम ये एक साइंटिस्ट हैं इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स सन उन्नीस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे बीजाणु देखे उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है इट इज़ important टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड be टेकन only ऑन द एडवाइज ऑफ़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर यह ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when नॉट needed और इन wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं क्योंकि यह है रोग विषाणु द्वारा होते हैं अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन मीन्स टीका वाई आर चिल्ड्रन पब्लिक इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है वेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोबी एंटर्स आर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा ट्यूबर smallpox and hepatitis एंड be कैन बी vaccination हैजा छाये चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन अथवा टीके द्वारा रोका जा सकता है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन सेवनटीन एट एडवर्ड जिनर ने चेचक के लिए सत्रह में चेचक के टीके की खोज की थी इन योर चाइल्ड हुड यू मस्ट है इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन अ वैक्सीन पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है These days vaccines आर मेड ऑन अ large स्केल from microorganisms to टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स several सेवरल आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि ये अभी सूक्ष्म जीवों के लाभ चल रहे हैं मीन्स वह सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभकारी हैं हमारे दोस्त हैं जो हमारे मित्र हैं तो कुछ जीवाणु होते हैं कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच रिच विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी कुछ जीवाणु एवं नीले हरे सेवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर सकते हैं इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं हम इन बैक्टीरिया को इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इस पर लिखा भी है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा मींस नाइट्रोजन स्त्रीकारक साइनो बैक्टीरिया एक नीले हरे सेवाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक इन सूक्ष्म जीवों को हम इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करने वाले नीले हरे सेवाल क्लीनिंग द एनवायमेंट मीन्स पर्यावरण का शुद्धिकरण भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्वड द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर अपने विद्यालय के मालिक को देखने के बाद पहेली भूजो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों बाबागी पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैपन। पहेली और बूजू जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है यह सूक्ष्म जीवों द्वारा हुआ जीवों ने पादप अपशिष्ट का अप कर उसे खाद में बदल दिया इस प्रोसेस में बने पोषक द्वारा पुनः उपयोग में किए जाते हैं दर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सबस्टेंसेज एंड क्लीन अप द एनवायरमेंट इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं तो इस तरह कुछ जीव हमारे दोस्त भी होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं अब हम पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं टू पॉइंट फोर हार्मुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन मेनी वेज इन ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ मनुष्य जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लोथिंग एंड लेदर लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज कुछ सूक्ष्म जीव भोजन कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं हम उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अब हम पढ़ते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव पैथोजन एंटर आर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ द वॉटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा पेयजल द्वारा एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचयनीय रोग कहलाते हैं ऐसे रोग कौन कौन से होते हैं जैसे कोलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। क्लोसिस वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्डीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग thousands ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं यह वायरस सांस के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस

ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है देखिए इसमें मक्खी को दिखाया भी गया है मक्खी क्या करती है कि संक्रमित वस्तुओं पर बैठ कर और अच्छी वस्तुओं पर आकर बैठ जाती है तो वह संक्रमित वस्तुओं के जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो लेकर आ जाती है और अच्छी वस्तुओं पर छोड़ जाती है तो इस कारण रोग वाहक कहा जाता है अतः हमें भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए टीचर not टू लेट water कलेक्ट anywhere इन द नेबरहुड अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आस पास पानी एकत्रित ना होने दें? क्योंकि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहने देना चाहिए कूलर टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं और इस तरह हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं देखिए गर्मियों के समय में कूलर में पानी भरना होता है उसी से हमें ठंडी हवा प्राप्त होती है तो उसकी हम नियमित सफाई रखकर मच्छरों से बीमारियों को रोक सकते हैं देखिए ये एक टेबल दी गई है इस टेबल में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को दिखाया गया है किस सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग होता है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए जैसे ये फर्स्ट कॉलम में दिया गया है ह्यूमन डिशीज मींस जो रोग मनुष्यों में होता है सेकेंड कॉलम में दिया गया है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोगकारक सूक्ष्म जीव मींस जिस सूक्ष्म जीव से रोग होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन संचरण का तरीका जिस तरीके से रोग फैलता है प्रिवेंटिव मेजर जनरल बचाव के उपाय जो कि सामान्य हैं हम कर सकते हैं तो जो फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस क्लोसिस यानी कि क्षय रोग ये बैक्टीरिया जिसे हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं उससे होता है और ये फैलता कैसे है ये वायु से फैलता है एयर से फैलता है इससे हम बच कैसे सकते हैं कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तो हम इससे बच सकते हैं देखिए है, ये इस टेबल में फोर बॉक्सेस दिए हुए हैं और एक बॉक्स में एक से अधिक बीमारियाँ दी हुई हैं इट मीन्स इन सभी के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो एक ही हैं जैसे ट्यूबलोसिस मेजल्स चिकन पॉक्स पोल, पोलियो ये सभी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं और सभी हवा के द्वारा फैलते हैं लेकिन इनके जो बचाव के उपाय होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं इनमें रोगी को पूरी तरह से अलग रखा जाता है और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना होता है और उसे समय समय पर टीकाकरण भी करवाना होता है रोगी को ताकि उसकी डिसीज खत्म होती जाए मनुष्यों में रोगों को उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ लिया है अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले Sukhsanjeev means disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused via bacteria. Foot and mouth disease of cattle is caused via virus. अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं जैसे एंथ्रैक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स मीन्स पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सीवरल माइक्रो ऑर्गेजन कॉज डिस इन प्लांट्स लाइक व्हीट राइस पोटेटो शुगर कैन ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ चावल आलू गन्ना संतरा सेब आदि पौधों में रोग के कारक हैं रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है दे कैन बी कंट्रोल्ड वायदा यूज़ ऑफ केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है देखिए इस टेबल में सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों को दिखाया गया है फर्स्ट कॉलम में प्लांट डिसीजेस पौधों में जो रोग होता है बह दिया गया है सेकेंड कॉलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जिसके कारण ये रोग होता है मोड ऑफ ट्रांजिशन जिससे फैलता है और ये पिक्चर है मींस पौधों में जब यह फैलता है तो कुछ ऐसा दिखता है जैसे प्लांट डिसीज है सिट्रस कैंकर नींबू कैंकर यह किसके कारण होता है बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु के कारण यह होता है ये फैलता कैसे है ये वायु के द्वारा फैलता है और यह कुछ ऐसा दिखता है देखिए जब ये रोग फैलता है तो कुछ ऐसा दिखता है रस्ट ऑफ वीट गेहूं की रस्ट ये किसके कारण होती है फंजाई मीन्स ये कवक के कारण होती है फैलती कैसे है एयर सीड्स वायु एवं बीजों के द्वारा फैलती है देखिए यदि बीज में ये रोग होगा तो हमारी जो फसल निकलेगी जिसमें हमने रोगी बीज डाले थे तो उस फसल में भी ये रोग आ जाता है येलोवीन ऑफ भिंडी भिंडी की पीत ये वायरस के कारण होता है और ये कीटों द्वारा फैलता है नाउ वी आर रीडिंग फूड पॉइजनिंग मींस खाद्य विषाक्तन। देखिए खाद्य विषाक्तन में क्या होता है सूक्ष्म जीवन द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन को दूषित कर देते हैं जैसे कि मक्खी रहती है मक्खी गंदी जगह पर बैठकर हमारे भोजन पर आकर यदि बैठ जाती है तो वह भोजन को संदूषित कर देती है तो वह भोजन कहलाता है विषाक्त या संदूषित पहली हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है देखिए ग्रो ऑन फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसलिए आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, अपने भोजन को ढक कर रखें ध्यान से भोजन को उचित व्यवस्था करके रखें नाव फूड प्रिजर्वेशन देखिए अब हमें भोजन को उचित व्यवस्था करके रखना है

फसल हमें प्राप्त होती है उससे जो हमें बीज बीज ही मिलते हैं उनका भंडारण हम करते हैं साइलों में करते हैं और भंडारण ग्रहों में करते हैं तो इस तरह बीज का भंडारण तो हो गया लेकिन हमें अब इस चैप्टर में खाद्य परिरक्षण मीन्स भोजन का हम रक्षण कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखते हैं यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज कंडीशन आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कबाक आक्रमण कर देते हैं सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू पीज फूड इन आर होम्स आइए हम कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं इन्हें हम सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय कह सकते हैं फर्स्ट है केमिकल मेथड मीन्स रासायनिक उपाय सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेज नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव अतः इन्हें हम पर्यटक कहते हैं हम नमक अथवा खाद्याम्ल का, का उपयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है प्रिजर्वेशन वाय कॉमन सॉल्ट नमक द्वारा परिरक्षण कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है मीट एंड फिश आर covered with dry salt to check the growth of bacteria. जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं नमक का उपयोग आम आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर चीनी द्वारा परिरक्षण जेम्स जेलीज एंड स्क्वेसेज आर प्रिजर्व बाय शुगर जैम जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सर्च एन एनवायरमेंट तेल एवं सरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते सब्जियां, फल मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स गर्म एवं ठंडा करना उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है वाई डज मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्राइज वॉट इज पास्टुराइजेशन थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पास्कृत है ये पास्चुरीकरण क्या है? देखिए पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास इट इज कॉल्ड पास इस प्रक्रिया की खोज लु, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग भंडारण एवं पैकिंग दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेची जाती हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा टू पॉइंट सिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास सिक्स एंड सेवेंथ आपने कक्षा छह साथ में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक है राइजोबियम लिव्स इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है कभी कभी विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिर होता है बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्सटेंट परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है यू वंडर वंड अब आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है रूट्स ऑफ आ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोडल्स लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं ये जो लेग्यूम पौधा इसमें दिखाया गया है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मींस पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए जो दलहन पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी में इसे पहुंचा देते हैं तो जो पौधे होते हैं सभी वह नाइट्रोजन को मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और फिर अवशोषण करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर कैसे रहती है आइए हम ये देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल मींस नाइट्रोजन चक्र आर एटमोस्फियर है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में अठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकिन डायरेक्टली वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे एवं जंतु वायुमंडली नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते सर्टिन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इंटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे सेवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं When plants and animals die bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous कंपाउंड्स टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कबक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाती है सर्टिन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ टू नाइट्रोजन गैस टू द एटमोसफियर कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर री मोर और लेस कॉन्स्टेंट परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है इस डायग्राम के द्वारा भी नाइट्रोजन साइकिल को समझाया गया है यह है ये है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसे नाग्ट्रूजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसे बायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु द्वारा एवं नीले हरे सेवाल द्वारा स्त्रीकरण होता है then bacteria in turn fix nitrogen into nitrogenous compounds जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना then, compounds of nitrogen इन द सॉइल उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक देन ये ऊपर की साइड अपटेक बाय प्लांट्स पौधों द्वारा अपशोषण उसके बाद एनिमल्स ईट प्लांट्स जंतुओं द्वारा पौधों को खाना देन नाइट्रोजीनियस बेस्ड फ्रॉम एक्सन एंड डेथ उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट अगेन उससे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल जीवों की मृत्यु और उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में मिल जाते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं उसके बाद बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसी नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है गैसी नाइट्रोजन फिर से वातावरण में आ जाती है तो इस प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा वातावरण में लगभग बराबर बनी रहती है इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ थैंक यू